है प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। एक ओर जहां देश भर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन आज बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो वहीं जगह जगह बच्चों के विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन इस अवसर पर हो रहा है। इसी क्रम में एक ऐसी संस्था है जो दिव्यांग बच्चों में उत्साह भरने का काम कर रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश भर में मनाया जा रहा बाल दिवस, कई तरह के कार्यक्रमों का होता है आयोजन। इनाया फाउंडेशन के बच्चों ने मनाया बाल दिवस। दिव्यांग बच्चों ने कई प्रतियोगिताओं में लिया हिस्सा। डेंगू रोकथाम के लिए कार्यक्रम हुआ आयोजित। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया गया जोर। एक ओर जहां देश भर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन आज बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो वहीं जगह जगह बच्चों के विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन इस अवसर पर हो रहा है। इसी क्रम में एक ऐसी संस्था है जो दिव्यांग बच्चों में उत्साह भरने का काम कर रही है। बाल दिवस आज के दिन जो है वो बाल दिवस आज के दिन सभी लोग डिफरेंट टाइप्स विभिन्न तरह से मनाते हैं, नॉर्मल बच्चे। और आज तक जो है ये जो सेरेब्रल पैल्सी दिव्यांग बच्चे हैं, इनको ये समझा जाता था कि ये मुख्य धारा में शामिल नहीं है, इनको विकलांग ही रखा गया था। लेकिन हमने आज के दिन बाल दिवस के दिन इन बच्चों को जो है इनमें उत्साह भरने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। और इन बच्चों को जो है मेन जो है ये नहीं कि हमें जो है इनको वो सराहना दी जाए और ज़्यादा कि हम जो है मुख्य धारा में जुड़ सकें इन बच्चों को जो है और ये आत्मनिर्भर बन सके। दरअसल प्रयागराज के इनाया फाउंडेशन बाल दिवस के अवसर पर सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चों द्वारा बाल मेला और साथ ही डेंगू रोकथाम के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों में काफी उत्साह दिखा। हम बाल दिवस में आए थे, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, हम बहुत खुश हैं। हमने आज दुकान लगाई, हमें बहुत मजा आया। किस चीज की दुकान लगाई आपने? बाल दिवस पे खाने पीने चिप्स कुरकुरे की दुकान हमने लगाई। किसने किसने खरीदा आपसे? बहुत लोगों ने हमसे चिप्स खरीदा है, कुरकुरे खरीदा है, चॉकलेट खरीदा। अच्छा, बाल दिवस किस लिए मनाया जाता है पता है क्या आपको? बाल दिवस बच्चों के लिए मनाया जाता है। साथ ही बच्चों ने सामान्य बच्चों की तरह दुकानें लगाई और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम की शुरुआत डेंगू के रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान से की गई। ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर मोहम्मद कदीर ने कहा कि इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है। आज 14 नवंबर बाल दिवस के दिन हम करेली में इनाया फाउंडेशन में अपने भाई का ट्रीटमेंट करवाते हैं और आज का दिन बहुत अच्छा रहा है। और मेरा भाई आज अपनी शॉप भी लगाए हुए था जिसमें बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और ऐसे कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। साथ ही आज इन बच्चों ने शॉप लगाई, पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया, फाउंडेशन की तरफ से इन बच्चों को सर्टिफिकेट भी बांटे गए। वहीं दूर दराज से आए अभिभावकों का भी कहना है कि पूरे जिले में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए ताकि बच्चों को इस सेरेब्रल पैल्सी के इलाज में इस तरह के कार्यक्रम उपयोगी साबित हो सके। आज के दिन इन बच्चों ने जो है वो बाल मेला में जो सामान दुकान साफ लगाई गई उसमें चिप्स है, बिस्किट है, इन लोगों ने जो है उनके जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने उन बच्चों से ख़रीदा और उनका उत्साह वर्धक किया। और इसमें चित्रकला और डिज़ाइनिंग के जो कंपटीशन भी बच्चों ने किया उसमें जो बच्चे जो है फर्स्ट आए उनको जो है सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया गया। डेंगू के पोस्टर इसलिए कि प्रयागराज में डेंगू बहुत ज़्यादा है, इसलिए डेंगू के अवेयरनेस के लिए कि डेंगू से कैसे बचाव किया जाना है, दिव्यांग बच्चों के सहारे जो है इन लोगों ने इसीलिए ये इसमें पोस्टर के सहारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा गया है आज के दिन। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है जिसको पूरे देश में त्योहार की तरह मनाया जाता है।
इस दिन कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके बच्चों में उत्साह बढ़ाया जाता है। खास रिपोर्ट में इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात, देखते रहिए प्राइम टीवी।